friends, this is Wajdan from Multan. तो कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली एन एंटिटी विच कंप्राइजेस ऑन मल्टीपल पर्सन्स विद अ पर्टिकुलर गोल और विद पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि एक ऐसी एंटिटी जो के डिफरेंट जो पर्सन से मिलकर बनती है और फिर उनका कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर गोल होता है। यानी कि आप अगर हम इसको म्यूनिसिपल लेवल पर भी देख लें तो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हमारी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, इवन अगर मैं यूनिवर्सिटी की भी मिसाल दूँ तो यूनिवर्सिटी कुछ लोगों से मिलकर बनी और मिलने के बाद उसने एक पर्टिकुलर क्या किया कि किसी पर्पस को अचीव करना शुरू कर दिया, यानी कि एजुकेशन देना शुरू कर दिया। इसी तरह से अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, हम एनजीओस की बात करें, तो डिफरेंट लोगों से मिलकर बनी और उसके बाद एक पर्टिकुलर पर्पस को इसने अचीव किया। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये एक पर्सन होती है। पर्सन इन ज्यूरिसप्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट जो है वो होता है विच कैन सू एंड विच कैन बी सूड, यानी कि जो केस कर सके या जिसके ऊपर केस हो सके। तो ऑर्गेनाइजेशन तो हमें समझ आ गई। अब ऑर्गेनाइजेशन दो तरह से लिखी जाती है, एक एस से और एक जेड से। ऑर्गेनाइजेशन में एक एस आता है और एक जेड, इन दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, लेकिन फर्क कहां पर आ जाता है? फर्क आ जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन जेड से है वो बेटा अमेरिकन लीगल सिस्टम है, और इसी तरह जो एस है वो ब्रिटिश लीगल सिस्टम में यूज, यानी कि ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर एस है और अमेरिकन सिस्टम के अंदर जेड है। अब मैं डिफाइन करूंगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड अंडर अ ट्रीटी टू अचीव सर्टेन गोल्स, यानी कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन लोगों से मिलकर बनी थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स के मिलने से बनती है और ये बनती है एक ट्रीटी से, यानी कि कोई एक एग्रीमेंट होता है जिससे ये स्टेट्स आपस में एसोसिएटेड होती हैं और फिर ये कि किसी गोल को अचीव करती हैं। मैं बेशुमार मिसालें इसकी दे सकता हूं, लेकिन मैं एक आपको फेमस मिसाल दूंगा जिसमें हमारे पास यूनाइटेड नेशंस है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो के डिफरेंट स्टेट्स से मिलकर बनी एक ट्रीटी के तहत, और फिर उस ट्रीटी या वो जो एग्रीमेंट हुआ उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर गोल का जिक्र किया कि हमने ये गोल अचीव करना है। किसी का गोल जनरल होता है, किसी का गोल स्पेसिफिक होता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो उसका जनरल पर्पस है, और अगर हम WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक स्पेसिफिक गोल के साथ काम कर रही है। ये तो है डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं एक क्वेश्चन की तरफ आऊंगा जो अक्सर किया जाता है कि क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक लीगल पर्सन भी है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये क्वेश्चन जो रेज हुआ सबसे पहले, वो रेज तब हुआ जब 1948 के अंदर कुछ लोग जो कि यूनाइटेड नेशंस में जॉब कर रहे थे, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस वर्कर्स थे, उनको इंजरीज सफर हुई इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। तो अब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ जब केस किया तो सवाल ये उठा कि क्या यूनाइटेड नेशंस एक लीगल पर्सन है और यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ केस हो सकता है? तो फिर हुआ ये कि ये सारा मामला रेफर कर दिया गया थ्रू जनरल असेंबली टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिपेरेशन केस 1949 के अंदर ये फैसला सुनाया कि यस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल पर्सन, मीनिंग देयर बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन सू एंड कैन बी सूड ऑन हिज ओन नेम, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है आप उस पर केस कर सकते हैं और वो भी आपके ऊपर केस कर सकती है, दिस इज अ लीगल पर्सन। अब मैं आऊंगा काइंड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। वैसे तो सुनने में बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया के अंदर काम कर रही हैं। दुनिया में चार मेजर काइंड्स के अंदर या चार क्लासिफिकेशंस की जाती हैं चार तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। नंबर वन इज जनरल मेंबरशिप विद जनरल पर्पस, यानी कि इसकी जो मेंबरशिप है वो जनरल होती है पूरी दुनिया के लिए, यानी कि पूरी दुनिया की स्टेट्स इसकी मेंबरशिप ले सकती हैं और इनका पर्पस भी इंतहाई जनरल होता है, कोई स्पेसिफिक गोल्स नहीं होते। नो डाउट उनके कुछ पर्टिकुलर गोल्स विद सर्टेनिटी जरूर होते हैं कि प्राइमरी गोल्स हैं और सेकेंडरी गोल्स हैं, लेकिन उसमें जनरल होते हैं, यानी कि हर तरह के पर्पस और गोल्स को साथ लेकर चलते हैं। इसकी मैं सबसे बड़ी आपको मिसाल दूंगा लीग ऑफ नेशंस और आज की बेस्ट एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस।
ये जनरल मेंबरशिप विद जनरल पर्पस है कि इनकी मेंबरशिप भी पूरी दुनिया के लिए ओपन है और इनका काम भी इनका जो पर्पस है जो मकसद है वो भी जनरल है. सेकंड है जनरल मेंबरशिप विद लिमिटेड पर्पस. अब ये इनकी मेंबरशिप तो जनरल हो गई, जनरल मेंबरशिप विद लिमिटेड पर्पस. लिमिटेड पर्पस का मतलब है कि इनका पर्पस इंतहाई लिमिटेड है, ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर काम करेंगी. मिसाल के तौर पर अगर आप ले लें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ILO पूरी दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी मेंबरशिप पूरी दुनिया के लिए, लेकिन जब ये काम करती है तो सिर्फ लेबर के राइट्स से और ड्यूटी से काम करती है, यानी कि पर्पस लिमिटेड हो गया टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ लेबर्स. इसी तरह से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी दुनिया की इसके लिए मेंबरशिप ओपन है, लेकिन इसका काम सिर्फ हेल्थ से रिलेवेंट है. आज एक करंट इशू चल रहा है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस पे अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, काम कर रही है, वो WHO काम कर रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद थर्ड जो काइंड है वो है लिमिटेड मेंबरशिप विद जनरल पर्पस, यानी कि इसकी मेंबरशिप तो लिमिटेड है लेकिन पर्पस जो है वो जनरल है, यानी कि काम जो है वो स्पेसिफिक नहीं है. इसकी मैं अगर आपको मिसाल दूं तो हमारे पास हमारी अपनी साउथ एशिया की एक मिसाल है सार्क, और यूरोप की बात करें तो यूरोपियन यूनियन. ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी मेंबरशिप पूरी दुनिया के लिए ओपन नहीं है, यानी कि सार्क में सिर्फ साउथ एशियन स्टेट्स पार्टिसिपेट उसकी मेंबरशिप ले सकती हैं. इसी तरह से अगर हम बात करें OIC की तो इसमें सिर्फ इस्लामिक स्टेट्स इसकी मेंबर बन सकती हैं, लेकिन इनका पर्पस जो है वो जो है जनरल होता है, यानी कि इनका पर्पस किसी एक पर्टिकुलर हेल्थ या फाइनेंस या सिक्योरिटी से रेलिवेंट नहीं होता. इनका पर्पस क्या होता है वो जनरल होता है, मेंबरशिप लिमिटेड होती है. और जो फोर्थ काइंड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है लिमिटेड मेंबरशिप विद लिमिटेड पर्पस, यानी कि इनकी मेंबरशिप भी लिमिटेड होती है और इनका पर्पस भी लिमिटेड होता है. यानी कि आप इसकी मिसाल ले लें नेटो. नेटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेंबरशिप भी लिमिटेड है और इसका पर्पस भी लिमिटेड है, यानी कि ये सिर्फ डिफेंस से रिलेवेंट काम करती है. ये तो थी चार मेजर काइंड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ये क्लासिफिकेशन जो है ऑथर्स ने और भी डिफरेंट तरीकों से बताई है, ये एक आसान समझने के लिए क्लासिफिकेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की. अब मैं अगर बात करूं इनके फंक्शंस की कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या होते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया काइंड्स के अंदर कि किसी के जनरल पर्पस होता है और किसी का लिमिटेड पर्पस होता है. अल्टीमेटली इनके कुछ कॉमन पर्पसेस भी होते हैं, तो मैं आपको यहां पर कुछ कॉमन पर्पसेस बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले है आर्टिकुलेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. दुनिया में हर स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट से जब रिलेशन बनाती है तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फोरफ्रंट रखती है, कि सबसे पहले उसका नेशनल इंटरेस्ट, बाद में वो किसी दूसरे सेकंड पॉइंट पे लेती है. जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनती है या किसी ट्रीटी की मेंबरशिप लेती है तो आर्टिकुलेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट का मतलब ये है, आर्टिकुलेशन कहते हैं इकट्ठा कर देने को, कि डिफरेंट स्टेट्स अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर देते हैं. और ये जब इकट्ठा करते हैं तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी एक फंक्शन है कि डिफरेंट स्टेट्स के नेशनल इंटरेस्ट को किसी एक प्लेटफॉर्म पर ले आना. जैसा कि मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ सार्क की, OIC की. OIC इस्लामिक जो स्टेट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, इसी तरह से सार्क साउथ एशियन इंटरेस्ट को करती है, नेटो जो है वो डिफेंस को करती है नॉर्थ अटलांटिक जो कंट्रीज हैं अटलांटिक ओशन के, इसी तरह से यानी कि ये इनके नेशनल इंटरेस्ट को एक जगह पर ले आते हैं. और अगर हम मैं इसके सेकंड पर्पस या फंक्शन की बात करूं तो इसका है टू सेट द नॉर्म्स. नॉर्म्स का मतलब अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल लॉ में नॉर्म्स कहते हैं इन अ सेंस के जनरल प्रिंसिपल्स बता देना, जनरल प्रिंसिपल्स ऑन थ्री मेजर इश्यूज. नंबर वन पॉलिटिकल, नंबर टू इकोनॉमिक एंड नंबर थ्री इज सिक्योरिटी. पॉलिटिकल का मतलब यह है कि जो स्टेट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं ये अगर हम पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें तो ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करती हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस के ऊपर काम करती हैं, और इसी तरह से जो हमारे डिफरेंट राइट्स हैं स्टेट्स के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो ये स्टेट्स की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसा कि इसकी एक अहम मिसाल है
non-proliferation of nuclear weapons, इसी तरह से ban on use of force, के use of force नहीं करना, इसी तरह का economic issues की बात करें, तो जो World Trade Organizations हैं, या जो IMF है, या World Bank जो हैं, ये economic issues के ऊपर काम करते हैं, यानी कि ये organizations हैं, जो हमारे इन issues के ऊपर कुछ norms set करती हैं, यानी कि कुछ general principles बता देती हैं। इसके बाद है rule making। rule making का मतलब ये कि international organizations कानून बनाती भी हैं। कानून बनाने की मैं अगर आपको मिसाल दूं, तो अब इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि BCLT, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, या एक और आप इसकी मिसाल लें BCDR, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, या फिर लॉ ऑफ सी। तो ये वो ट्रीटीज हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ में समझी जाती है कि ILC ने इनको कोडिफाई किया। ILC इज इंटरनेशनल लॉ कमीशन व्हिच फॉर्मड इन 1948। अब ये जो इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, इसने इन डॉक्यूमेंट्स को या इन ट्रीटीज को क्या किया, कोडिफाई किया, यानी कि कानून को बनाया, ऑर्गेनाइजेशन ने कानून को बनाया, लॉ मेकिंग। इसी तरह से सेकंड है लॉ एप्लीकेशन, यानी कि फिर ये सिर्फ कानून बनाती नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशंस कानून को एप्लीकेबल भी करवाती हैं थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल, या और भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, ट्रीटी बॉडीज हैं ह्यूमन राइट्स की पर्टिकुलरली, जो कि उन ट्रीटीज को अप्लाई करवाती हैं इन स्टेट्स, उनकी एप्लीकेशन के ऊपर काम करती हैं। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक सैंक्शनिंग बॉडी भी है, एक एग्जीक्यूटिव फोर्स है यूनाइटेड नेशंस की इस ऑर्गेनाइजेशन की। और थर्ड है, लास्ट है लॉ एडजुडिकेशन। लॉ एडजुडिकेशन की अगर हम बात करें, तो जो कानून बन गए हैं उन कानून के ऊपर जो है वो जो हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो फैसला भी सुनाती है, लाइक ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो। अभी एक रिसेंट अगर हम केस देखें कुलभूषण यादव केस, तो उसमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक फैसला सुनाया, तो ये फैसला जो है ये सुनाना भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के अंदर आ जाता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।